हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आईटीएन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम फिर से जेई मेंस की क्वेश्चन 2022 के सॉल्व करेंगे, जो कि थर्मोडायनामिक्स से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, बल्कि मेरा मोटिव ये है कि क्वेश्चन के थ्रू आपका आइडिया डेवलप करूँ कि आपको क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है। तो मेन तरीका यहाँ पे होगा, हम जेई के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं और एक हम टॉपिक को भी रिवाइज कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोचो, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ताकि आप परफेक्ट आंसर ला सको विथ एक्यूरेसी। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, अप्रोच देखेंगे और जो भी फॉर्मूला होगा या कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारी बातें हम सीखेंगे कम समय में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सीएनजी इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। ठीक है, वेन 100 ग्राम सीएनजी इज मिक्स्ड, ठीक है, वेन 100 ग्राम सीएनजी इज मिक्स्ड टू 108 ग्राम ऑक्सीजन इन व्हीकल्स, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट क्वांटिटी ऑफ द हीट ड्यूरिंग दिस कम्बक्शन। मतलब एक कम्बक्शन रिएक्शन हो रही है तो हमें देन द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो हमें ये बताना है, ठीक है, कि CO2 अमाउंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जब हमारा 100 ग्राम CNG को मिक्स किया गया 208 ग्राम ऑक्सीजन में। तो कम्बक्शन रिएक्शन ही हमारी जो होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो आपको एक बात याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि कम्बक्शन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो वो कैसे होगी, एक हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन हमारे पास बता दिया गया है क्या है भाई, CH4 हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, CH4, ठीक है, और प्लस कंबक्शन रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और हमारे पास साथ में क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये तो हमें बताया है CO2 यहाँ से निकल रहा है और H2O थी हिंट था, ठीक है, H2O और CO2 हमारा बन रहा है वो तो हिंट था कि कंबक्शन रिएक्शन है, वो बता भी दिया गया था। तो आप CO2 प्लस H2O बना लो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन हमने CNG ले लिया, CH4 प्लस O2 के साथ कंबक्शन रिएक्शन दिखा दी। अब देखो, अब बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, बैलेंस करना है ओवरऑल हमें। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 2 कर लो, 4 हो गए, यहाँ पर भी आप 2 कर लो, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 पहले से, तो 4 हो गए, बाकी बैलेंस एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर है, हाइड्रोजन 4 इधर है और 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन इधर है। चलो ये काम तो हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्या गिवन था कि 100 ग्राम CNG मतलब मीथेन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन एल्केन जो होते हैं ना वो हमारे फ्यूल में ही यूज होते हैं, तो यहाँ पे CNG हमारा मीथेन था, ठीक है ना, याद रखना ये बात। अब क्या होगा, हमारा ये 100 ग्राम था, ऑक्सीजन कितना ग्राम था, 208 ग्राम था। तो आप इसको मोल्स के टर्म्स में निकाल लो, मोल बराबर क्या होता है पता है आपको, हम 2 में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, मोल बराबर जो होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो मोल मेथेन का निकालोगे तो 100 अपॉन 16, ये मोल निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, सबका एन लिख दे रहा हूँ, और ऑक्सीजन का तो 208 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, एक ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट 16, 2 का 32 हो गया, ये ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करो, अब इसमें देखो बात ये आती है कि हमें ये बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन के दौरान। तो अब बात है, आपको ये बताओ कि मीथेन को लिमिटिंग रिएजेंट मानोगे कि ऑक्सीजन को, क्योंकि भाई हमको देखो एक को मीथेन या ऑक्सीजन को रिलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो बात आती है हम मीथेन को या ऑक्सीजन को किसको करेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा किसको करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता होता है, देखो आपके पास जो भी मोल है ना उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, मतलब इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका 2 है, तो ये मोल कितना हुआ, 6.25 डिवाइड बाई 1 और 6.5 डिवाइड बाई 2। तो देखो डिवाइड करोगे तो ये इसमें कौन सबसे कम आ रहा है, जो सबसे कम आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो हमारा सबसे कम देख रहे हो, इसको कम आ रहा है 2, 3 + 6 और ये तो हमारा 6 है, सीधी बात है लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट करेगा, मतलब ऑक्सीजन को रिलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन को नहीं करना है, तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पार्टिसिपेट करता है, याद रखना, ठीक है। तो अब आप देखो क्या करोगे, अब देखो यूनिटरी मेथड, 2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल हमारा एक ही है ना, 1 मोल CO2 निकल रहा है, ध्यान देना, 2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल हमारा क्या मिल रहा है,
CO2 मिल रहा है। अरे ये वही बात हुई ना कि 10 टॉफी का मूल्य, 2 टॉफी का मूल्य 10 रुपये है, तो 1 टॉफी का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये। तो सिंपल बात है, दो, यहाँ पे देखो 2 टॉफी का मूल्य कितना है? 1 रुपये। तो 1 टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा? हाफ, अरे 1 का आधा, 0.5। तो वही बात है, तो 2 टॉफी का मूल्य 1 रुपये है। अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे को 2 टॉफी समझने के लिए, 2 टॉफी कितने रुपए की है? 1 रुपए की है। तो आपको 1 टॉफी कितने रुपए की मिलेगी? 1/2 रुपए की मिलेगी, ठीक है ना। तो इसे आप समझने जाना हम क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बाद में लिख लेना, टॉफी क्या है? O2 है। टी क्या है? टॉफी O2 है। और हाफ क्या है हमारा? CO2 है। रुपीज क्या है? CO2 है। तो हमें पूछा क्या है, हमें कितने मोल के लिए निकालना है? ये है हमारा मोल इतना गिवन था ना, क्योंकि वेट इतना गिवन था, मोल तो ये था हमारा, तो 6.5 मोल हमने निकाला था। ये देखो ना, और लिमिटिंग रेंज में क्यों निकाला था? ये चेक करने के लिए मीथेन रिएक्ट करेगा कि ऑक्सीजन। तो अब हमें सिंपल बात है 6.5 मोल ऑक्सीजन के लिए निकालना है। तो 6.5 मोल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 6.5 × 1/2 मोल हो जाएगा, ठीक है। क्या? CO2। और समझ में आई बात ना, ये टॉफी और ये हमारा RES क्या हो जाएगा वो आप समझ लेना, टॉफी समझाने के लिए कहा था। तो 6.5 मोल हमें क्या ऑक्सीजन के लिए, हमें इतने मोल CO2 प्रोड्यूस होगी। अब हमें पूछा था वेट, पूछता हो द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस इन ग्राम पूछा था वेट। तो अब देखो क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल गया था 6.5/2 मोल CO2 के हैं, लेकिन हमें ये वेट में चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो मोल बराबर क्या होता है? वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट। तो हमें मोल कितना गिवेन है CO2 का? 6.52। वेट हमें पूछा था, मॉलिकुलर वेट CO2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो वेट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6.5 4 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई फिर 2, तो इसे आप डिवाइड करोगे तो 2 3 6 दशमलव और 2 5 × 4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.43 ग्राम के आसपास आ जाएगा आंसर। दिख रहा है आपको? तो 1.43 ग्राम आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हुआ। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कुछ पूछ लेना हमसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।